प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है इसके क्या मायने, सीधे प्ले ऑन करें। पहला जो हमारा बिग बॉल है, पीएम मोदी का ऐलान, तीनों कृषि कानून वापस होंगे। मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से कहता हूं, ये उन्होंने जो कहा है, प्ले ऑन करें इसको नेक्स्ट। शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, नंबर वन। नंबर टू, दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को समझ नहीं पाए। मैं पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस करने का निर्णय किया है। हम तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे। आप अपने घर लौटें, अपने खेत लौटें, आइए नई शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सकें। सीधे चलूंगा इस बाइट, राहुल बाइट और ये जो ग्राफिक्स के साथ राहुल देव सर के पास, और उसके बाद मैं शरद सर के पास जा रहा हूं। मुझे बताया गया है कि हमारे साथ एक और खास मेहमान बृजमोहन अग्रवाल जी, जो एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आप वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। राहुल देव जी, 18 मिनट का ये उनका जो स्पीच थी, 41 बार किसान शब्द का इस्तेमाल किया, ये बोला कि मैं क्षमा मांगता हूं, हमारी तपस्या जो है वो शायद समझ में नहीं आई, इसका ग्राउंड पे इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं? ये इंपैक्ट देखने के लिए तो मैं भी थोड़ा इंतजार में हूँ कि देश भर से प्रतिक्रिया आए, उत्तर भारत से प्रतिक्रिया आए तो थोड़ा हमें अंदाज लगे, लेकिन अभी तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ऐतिहासिक वापसी है सरकार के कानूनों की, ये 7 साल में शायद सबसे बड़ा कदम है सरकार, मोदी सरकार का, जब मोदी जी ने अपने इतने महत्वपूर्ण फैसले को वापस लिया है, संसद में लिए गए पारित किए गए निर्णय को वापस लिया है और अपनी समूची राजनीतिक पूंजी दांव पर लगाई है। ये उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम है, तो जाहिर है कि उसके पीछे जो कारण होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अभी हम पूरी तरह से उसके सारे आयामों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षा के कारण कुछ ऐसे थे इसके पीछे की लेना पड़ा, जिसके पीछे शायद खालिस्तान की एक बड़ी हुई बढ़ती हुई कोई एक षड्यंत्र था, कुछ उसको रोकने के लिए किया गया, या कि इतने ज़्यादा दबाव में थे कई तरह की शक्तियों द्वारा, कई तरह के तत्वों द्वारा प्रधानमंत्री की, उनको ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन इसका जो सीधा प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है कि इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव उसकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, अगले जो होने वाले हैं 2024 में, उसके लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश में अपनी जीत को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए और अच्छी जीत को सुनिश्चित करने के लिए भी संभव है कि ये भी एक बड़ा कारण रहा हो इसके पीछे। और अगर ये सच है तो ये मानना पड़ेगा कि किसान आंदोलन का प्रभाव जो हम केवल पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक सीमित मान रहे थे, वो उतना सीमित नहीं था, वो थोड़ा ज़्यादा व्यापक था और उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के कई और क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव था। लखीमपुर की घटना ने भी मैं समझता हूँ कि एक दबाव बढ़ाया होगा और किसानों की नाराजगी और असंतोष को और भड़काया होगा। आप जो बता तो रहे हैं अभी ये कुछ अनुमानित कारण हैं, पूरी तरह समझने अभी समय, इसमें समय चाहिए। ठीक है, परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।